वक्ता और विद्वता का नाम है, इसीलिए वेदों ने कहा देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप अपने बेटे को राजा बनाएंगे तो बोलेंगे ये गुजरात ले ले, ओखा मंडल ले ले, बराबर। लेकिन हमारे गुरुदेव ने जब भगवा पहनाया बोले चारों दिशा खुली है, खेल ले बेटा, कहां तक जा सकता है, जहां तक नजर जाए सब तेरे अपने ही है। इसलिए कहते वसुदेव कुटुंबकम। कुमार ने कहा देखो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ की तो बहुत परंपरा है, क्योंकि आज आदमी के पास समय नहीं है ना। अगर कहा जाए आ जाओ दस महाविद्या की साधना है, आपको वहां बैठना है, बाप जी तुम्हारे जो जो ये तो ले जाओ, ब्याह हजार नहीं 5,000 ले जाओ, पर मारे अगर समय न थी, फिर वो तो दूसरे ही दुकानदार होते हैं ना जो हर माल मिलेगा बार आने। सच्चे साधक तो आपकी काम सुनेंगे नहीं। आपके समक्ष एक जानवर है लकड़ी से, उसे भोजन कराओ खाएगा? आप बाजार में नमक खरीदो क्या बोलते हो, क्या भाव है? और भगवान बिना भाव के मिल, बिहारी की आरी का तपस्या करते। आपने देखा होगा हमारे संत दशनाम सन्यासी, कोई खड़ा है तो खड़ी तपस्या, ज्ञान यज्ञ में आएगा, वाणी तप रही है, है? बाकी राजेश जी एक बार क्या हुआ, लोहा और सुना, लोहार और सुनार दोनों की बगल में घर था, और लोहे का टुकड़ा सुनार के घर में आ गया, तो लोहा और सोना दोनों आपस में बात करने लगे। सुना सोने ने कहा लोहे से, भैया आग में आप तपाए जाते हो? बोले हाँ। बोले यार मैं भी तपाया जाता हूं। बोले चोट आपको भी मारी जाती है? बोले हाँ। बोले मैं भी तपाया जाता हूँ, मुझे भी मार खानी पड़ती है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। कहे एक चीज समझ में नहीं आई, लोहा से सोना कह रहा है, लोहे से सोना कह रहा है, एक चीज समझ में नहीं। सोना कहता मुझ पे खूब चोट मारते हैं, लेकिन मैं चिल्लाता नहीं, सह लेता। और मेरे भाई लोहा, जब तेरे पे चोट लगती टन टन, आसपास के लोगों को पता लग जाता है कि घर में बर्तन किसने फेंका, इतनी आवाज हो जाती है। लोहा आंखों में आंसू लेकर कहने लगा, ओ मेरे भाई तू इसलिए नहीं चिल्लाता कि तुझे चोट देने वाले कोई गैर होते हैं। सोने को चोट हमेशा लकड़ी के हथौड़े से मारी जाती है। सोना कहता है तुझे चोट देने वाले कोई गैर होते हैं, और मैं रोता इसलिए हूं क्योंकि मुझे चोट मारने वाले अपने होते हैं, लोहे को लोहा मारता। कि जिनकी आदत बुरी लाख रोको दरअसल वो बदलती नहीं है, और लाख कोशिश करो मेरे यारों नाव कागज की चलती नहीं है। अपनों की चोट है। अब चोट दोनों तरफ से लगती है खंडेलवाल साहब, गुरु चोट निकाले खोट निकाले, चोट तो वो भी मारते हैं ना। गुरु कुम्हार शिष्कुंभ है, नीचे हाथ ऊपर से ठोक भी रहा, गुरु भी चोट मारता है ना, लेकिन वो खोट निकालता है, और भाई भी चोट मारता है। कि इस जमाने में भाई ओट नोट और चोट, ये तीनों आप लोग समझ लेना, मैं सन्यासी आदमी हूं, राजनीतिक परिभाषा मेरा ही नहीं, पर ये तीन पे सारा खेल गड़बड़ होता है।
है कि नहीं? हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, जिसे देखता हूँ वही रो रहा है। करते हैं बातें हवाओं के रुख से, आदमी दुखी है औरों के दुख से। अगर ये भाव आ जाए तो जीवन ना धन्य हो जाए। आदमी दुखी है औरों के दुख से, ये भाव आए तो धन्य ना हो जाए, पर उल्टा है, आदमी दुखी है औरों के सुख से, है ना? इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। भाव होना चाहिए। आपका भागवत सुनकर अगर बदलाव नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। बहुत से लोग मिलते हैं जिनकी पूरी जिंदगी संतों के सानिध्य में चली गई, अब पता नहीं वो संत का अंत नहीं था या संसारी के पाप का अंत नहीं था, कहीं तो गड़बड़ थी, नैया वही अगर खड़ी है तो। लोहे में खोट है या लुहार में है? क्यों? यज्ञ के बारे में बताया, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, और कहने लगे कि कलयुग में अगर सरलता से वैष्णव पद की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण ही मुक्ति दे सकता है। बाकी इसको सुनने के लिए, हाँ जी, हम आप अपने मन को तो मारे, एक चेतावनी, ये जीवात्मा मन से कहती है कि तेरे वजह से हर जगह गड़बड़ होता है। वो तो आरी बाबा जी। ओरे मन हरे मन तो है कही भी दी समझाओ, रे मन तो है कही भी दी समझाओ, तो है कही भी दी समझाओ, रे मन तो है कही भी दी समझाओ, रे मन तो है कही भी दी सम रे मन तो है के ही विधि समझाओ, तो है के ही विधि समझाओ, रे मन तो है के ही विधि समझाओ, रे मन तो है के ही विधि समझाओ, समझाओ रे मन तो है कही विधि समझाओ, रे मन तो है कही विधि समझाओ, तो है कही विधि समझाओ, रे मन तो है कही विधि समझाओ, तो है कही विधि समझाओ, रे मन तो है कही विधि समझाओ, रे मन तो है कही विधि समझाओ, रे मन तो है कही विधि समझाओ।
माने नहीं जब लोग खतान खाए, जैसे मक्खी गुड़ में पंख रही लपटा। मन की दशा मक्खी जैसी है, जैसे मक्खी पिघले हुए गुड़ को लेने जाती है और खुद रह जाती है। दूसरा उपमा, ये मन भावरे के जैसा है, कमल के पुष्प का रस पान कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पी रहा है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, सूर्य डूब जाता है और उसी के अंदर बंद हो जाता है। तो भैया खंडेलवाल आए थे हम भोग भोगने, भोग ने हमको भोग लिया। भोग नहीं भोग रहे हो, भोग आपको भोग रहा है। अंत काले चम मुक्षाना, जिसका अंत सुधर जाए। शराब आदमी नहीं पीता, आदमी को शराब पीता है। जिंदगी भर पीता, बाद में बुढ़ापे में कहता सब तो है ना। जिंदगी भर वो पीता और बुढ़ापे में जब पानी नहीं देता तब क्या कहता है, हास्य व्यंग। एक हास्य व्यंग है, बुढ़ापे में जब कोई नहीं तब क्या कहता है कि पीते मिला के लोग हैं, कि पीते मिला के लोग हैं, पानी 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 पानी, पीते मिला के लोग हैं, पानी शराब में हर मैं पी गया मिला के जवा नी शराब में, पीते मिला के लोग हैं पानी शराब में, शराब नहीं पीते, शराब आपको पीती है। लीवर कोलाइटिस हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, लीवर फेटी हो जाएगा। आए तो व्यथा को दूर करने के लिए आचरण में आचरित करें, नहीं तो कथा का कोई अंत। देव ऋषि नारद से कहा गया कि आप जो है भागवत कथा का नियोजन करें। भागवत करा कहाँ जाए, ये भी महत्व है। किस दिशा में श्रोता और वक्ता बैठना चाहिए। वक्ता को हमेशा कथा से पहले छोर करना चाहिए। छोर समझते हैं ना आप लोग। उपवास रखना चाहिए। श्रोता को पूर्ण रूप से नीति और नियत से समर्पित गुरु में विश्वास रखना चाहिए, हरि में विश्वास रखना चाहिए। अगर प्रवक्ता का मुख पूर्व में है तो ये इसीलिए लगवाया जाता है कि मुख्य यजमान का मुख उत्तर में होना चाहिए। मुख्य यजमान कहाँ बैठते हैं, सामने नहीं बैठाया जाता है, उठा के देख लेना। आजकल के प्रवक्ताओं को तो यही नहीं पता है, राधे राधे धन बाटले आधे आधे ऐसी कथाएं होती क्या। अगर प्रवक्ता का मुख पूर्व में है तो मुख यजमान का मुख उत्तर में, इसीलिए ये साइड में लगवाए। नहीं ऐसा लगवा देते ना सब। और अगर प्रवक्ता का मुख उत्तर में है तो मुख्य यजमान का मुख पूर्व में होता है। दिशा का भेद है। पंडित जी लोग कराते हैं ना, जब कोई काम कराते हैं न्यास कराएंगे विधि, तो पूर्वे रक्ष द्वारा हर नेतृत्या मधुसूदन, उत्तरे श्रीपति रक्ष जयशान्या महेश्वर, ऊर्ध्व धर तत्व धाता। खैर पंडितों का काम है, उनका काम है, अपने कम पड़ेंगे उस मामले में, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए। रक्षा विधान है, न्यास करते हैं हम, पंडित जी न्यास कराते हैं, तो उसका अभिप्राय मैं एक निवेदन करूंगा। जितने भी प्रमंडल हैं,
कर्मकांड जब भी कराएं तो यजमान को उसके महत्व को जरूर बताएं, क्योंकि परंपरा ये है अगर आपको किसी मंत्र का भावार्थ नहीं ज्ञान है तो जाप बिल्कुल मत करिए, अर्थ होते ही, गलत अर्थ होते ही अनर्थ हो जाएगा। आप बोलेंगे दंतान रक्षति महालक्ष्मी भार्या भक्षति भैरवी, कबड्डी मत खेले, दंतान रक्षति महालक्ष्मी भार्या रक्षति भैरवी, तो रक्षा होगा और कबड्डी खेल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। रक्षा की जगह भक्षण, और जब आप कराते हैं रक्ष रक्ष ही रक्ष, है ना, देवी से पूजा कराते हैं ना, देहि में आरोग्यम, देहि में भोज्यम, देहि में शौर्यम, देहि में साम्राज्यम, चतुर्थ संप्राताय ददात में चतुर्थ संपदार्थ प्राप्तर्थे अहम संकल्पम करिष्यते, फिर आप कहें तिष्ठ तिष्ठ ही है तिष्ठ रक्ष रक्ष मम कुलः, हे भगवान अब यहीं रुक जाओ, तिष्ठ तिष्ठ इह तिष्ठ, यहां रुको और हमारे कुल का कल्याण करो। न्यास कराते हैं आप, बाएं हाथ की हथेली में जल होता है, दाहिने हाथ की अनामिका और अंगुष्ठा को स्पर्श कराते हैं तो आप बोलते वांग में आए स्तुह, ये अधर है ये लज्जा है, ये ध्यान रहे, ये अधर है और ये लज्जा है, वांग में आए स्तुह, भाव करते हैं मेरे होठ मेरी जिह्वा मेरे मुख अग्रिम या मुख से जो भी शब्द निकले सदैव परमार्थ और परमात्मा के नाम से निकले, ये भाव न्यास के समय आप करते हैं। पुनः आप उठाते हैं जल को, नर्सों में प्राण स्तुह, ये प्राण वायु है, दो स्वर हैं, एक सूर्य है और एक चंद्र है, जब सूर्य प्रभावी होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, बार बार गुस्सा आएगा, और ऐसे क्रोध की माँ का नाम है इच्छा, जब आपके इच्छा विरुद्ध काम होगा तभी आपको आएगा गुस्सा, है ना। नर्सों में प्राणेस्तु, अक्षणों में चक्षुरस्तु, नेत्रों से जब लगाते हैं तब भाव करते हैं परमात्मा मेरे ये नेत्र सदैव श्री हरि के चरणों की दर्शन की इच्छा के लिए अभिलाषी रहे, कुकृतों को कभी ना देखे। आप कहते हैं ना कुछ ऐसा देखा कि मैंने तो भाई मुंह घुमा लिया, मैं देखने लायक नहीं था। कर्णों में स्रोतमस्तु, मेरे कान सदैव वेद मंत्रों को सुने, अच्छी चर्चा परिचर्चा को सुने। बाहों में ऊर्यमस्तु, मेरे हाथ सदैव परमार्थ परोपकार के लिए उठे। सर्वारिष्ठान वेगान तनुस्ता संति भवतु, ये न्यास की प्रक्रिया। अब हमारे बच्चों को पता ही नहीं, आप कह रहे हैं लगा लो, लगा लिया, लगा लो, अभी है क्या भिलावा, मालूम है आपको भिलावा, भिलावों का अगर उबाल के दूध में पिए तो चर्म रोग दूर हो जाए, और खाली भिलावा का रस अगर चेहरे पे लग जाए तो रक्त विकार के जैसा धब्बा हो जाए, तो गुण बताना जरूरी। अगर आपको वेद मंत्रों का पाठ भी करना है तो उनका भावार्थ भक्तों को बताइए, क्योंकि ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया, आपके यहां भूदेव कहते हैं ना गुजरात में, पूज अब यहां है ना, गोस्वामी जी ने भी यही किया ना कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना, बंदो वंदन करता हूं प्रथम मही का अर्थ धरती से है, सर्वप्रथम पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को वंदन करता हूं। अब यहां श्रीमद् भागवत यज्ञ कराना है, दिशा का अवरोध है, किस आकार में आपका यज्ञ कुंड होगा यह भी विधान है, किस मार्ग से आपको जाना है यह भी विधान है, किसके घर से पोथी उठेगी उसकी क्या प्रक्रिया यह भी विधान है, अगर सही समय से सारी प्रक्रियाएं हो तो दशा और दिशा बदलती ही है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती और जीवात्मा को हमेशा मुक्ति मिलती ही है भागवत कथा श्रवण से। मूलतः पितरों के लिए, पितृ मुक्ति के लिए भागवत सुना जाता है, अकाल मृत्यु अगर है तो उसके मोक्ष के लिए भागवत सुना जाता है,
भागवत कथा का महत्व बताया और भागवत श्रवण करना है। जैसे आजकल विप्र देवता जेब में मच गई खलबली तो हो गई नारायण नागबली। जिसका पिता जिंदा है वो पुत्र कभी नारायण नागबली करने का अधिकारी नहीं है, ये प्रमाण है। बाबा ने कहा काल सर्प योग है। भैया काल सर्प योग कौन सा है, किस हिसाब से काल सर्प का निर्माण हो रहा है? कह दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। बाबा हाँ बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दैट इज मेडिकल इफेक्ट। बट सेवरम वाला बढ़ा है या बैड बढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल आपका बैड बढ़ा या सेवरम, इस पे तो ट्रीटमेंट देगा ना डॉक्टर। तो ऐसे ही काल क्षय है वो, शंखचूड़ है या प्रहरी काल सर्पयोग है, इस पे निर्धारित है। और पूर्णता काल सर्पयोग का निदान महामृत्युंजय जप ही होता है। और महामृत्युंजय कराने का स्थान है श्मशान, गौशाला, शिवालय, घर के अंदर महामृत्युंजय पार्थिव उपासना नहीं होती, ये बात ध्यान रख लीजिए। घर के अंदर महामृत्युंजय पार्थिव का शिवलिंग बना करके नहीं किया जा सकता। हम करते सब हैं लेकिन सही विधि से नहीं कर पाते। अगर कथा में तारतम्यता बनी रहेगी तो आनंद आएगा, और नहीं तो मैं शुरू कर दूं पहले परिचित बाद में महाराज फलाने, तो फिर मजा कैसे है। वर्क योर टेरिटरी करेक्टली स्टेप बाय स्टेप। भागवत कथा सुना कहां जाए, किस मुद्रा में बैठा जाए, वेदांत तो यहां तक कहता है। खैर आज के युग में कुछ कहा नहीं जा सकता, विषम भावेन मर्यादाम नास्ते। जैसे योग के लिए कहा गया ना स्थिर आसनस्य सुखम, ध्यान रखना। ये जो बाबा लोग चला रहे हैं दुकानदारी है, योगा नहीं है महाराज। आपके शरीर में 2,02,202 स्नायु हैं, 108 इंद्रियां हैं, 72 नाड़ियां हैं। अभी बाबा तो 3 में ही उलझा के बैठे, इंगला पिंगला सुष्मना हिता। विस्तृत चर्चा है आध्यात्मिक। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, क्षमा चक्र है, सहस्त्राधार है, विशुद्धि चक्र है, त्रिकुटा है, क्षमा चक्र है और ब्रह्मरंध्र है। हम पहले ये तो जाने हु आ रहे मई, पर हमारी यही गलती है, हम स्वयं को ना देख करके दूसरे को जानने जाते हैं। जानो ना खुद को, भगवान मानने की चीज है, उसे जानने की कोशिश मत करो। क्योंकि श्याम की कोई खबर लाता नहीं और चांदनी दामन छिपा जाता नहीं, अरे इलाही कौन सी मंजिल है वो, जो गया वापस कभी आता नहीं। श्रीमद् भागवत के बारे में बहुत कुछ ज्ञान अर्जन कराएंगे, लोगों की रोचकता बढ़ने दीजिए, कल से तो बहुत आनंद आएगा आपको। सुबह उठकर के रात के सोने तक की दैनिक दिनचर्या आपके पास है। सुबह उठे आप पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए। कुछ लोग पता नहीं किसका मुंह देख लिया, अगर उससे बचना है तो उठो, हाथों को खोलो, चेहरे के सामने रखो और बोलो क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले च गोविंदा कर प्रभाते दर्शन। जीवन जीने के नियम 8 जो आप कहते हैं अष्ट सिद्धियां, वो क्या है? जीवन जीने के नियम है। 9 निधियां क्या है? उनसे प्राप्त होने वाले फल है। मूर्खों आज हम प्रणाम नहीं करते, हाँ। पुराने टाइम में अगर किसी को चोट लग जाती थी तब लोग चिल्लाते थे हाय, अब तो खुशहाली में बोलते गुरुजी हाय।
अब ये हाय कहीं ना कहीं तो लगेगी। पहले हम साष्टांग दंडवत करते थे, दंडवत दंडे के समान गिर जाना, अश्रु गुरु के चरण रज में, गुरु के अंगुष्ठे में हजारों सूर्य कोटि के तेज का पुंज है, आत्मा का क्षमा चक्र स्पर्श करता है तो विकार मुक्त हो जाता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, विनम्रता आती है, झुक के प्रणाम करते हैं, अहंकार दूर होता है, साष्टांग दंडवत करते हैं, विकार दूर होता है, और जब गुरु के चरणों की अमृत का पान करते हैं, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मम्मी, मम्मी का मतलब क्या होता है? जहां तक मैं समझता हूं, कोई मर जाए और उसको सजा के रखा जाए उसको मम्मी कहते हैं, जहां तक मेरी अक्कल है। बाकी पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझदार है, अपन उनमें कम है। डेड, जो हायर फैमिली हो क्या बोलती है, डेड। डेड इज मैस्क्यूलिन जेंडर एंड डेड इज फेमिनिन जेंडर, वो एक वचन वो बहुवचन। डेड मतलब एक, डैडी मतलब ढेर सारे। मम्मी लाश, डेड डैडी, फिर कल्याण कहां से होगा? फिर कहां से होगा? माता जी को घर से निकलती टाटा, कुछ भी। भारतीय संस्कृति को क्यों नहीं अपनाते? आप गौर करिए, छोटा सा मैं मेडिकली साइंटिफिक रीजन बता दूं। आपने एक चीज नोट किया कि जो गरीब किसान खेत में नंगे पांव दौड़ता है उसको कभी रेमो आर्थराइटिस नहीं होता है, उसको आर्थराइटिस नहीं होता, उसको ब्रोंकाइटिस नहीं होता, वो कभी एंजाइटी में सफरिंग नहीं करता, उसे सिजोफोर्निया नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे इस पृथ्वी से मैग्नेटिक एनर्जी कंटिन्यूअस मिलती रहती है। और ये मार्बल पे चलने वाले आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, साइटिका, प्रकृति से दूर हो गए तो बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, आयुर्वेद और प्रकृति से मिल करके रहें। हमारे चेले बोलते हैं ना, गुरुजी ये लगवा दे वो लगवा दे, काफी देर हो जाता है। मैंने एक मेहरबानी करोगे क्या? तुम लोग ज्यादा बोल लिए, अब मैं अंदर जाता हूं, मेरे दरवाजे की कड़ी लगवा दो बस, ठीक है। तो हम प्रवृत्ति और प्रकृति से जुड़कर चले, ऐसा भागवत बताता है। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए तीर्थ तय हुआ आनंद घाट। आनंद घाट कहाँ है? हरिद्वार में। आयोजन देखा गया कि वहां की नरम रेती पर कोई भी लोग बैठ सकते हैं। कथा का शुभारंभ हो गया है। श्रृंगी, वशिष्ठ, सांडिल्य, भरद्वाज, परशुराम, याज्ञवल्क, मनुज, धनुज, यक्ष, गिंधर, किन्नर, गंधर्व, सारे लोग चले आए। और अगर कोई नहीं आए तो भृगु जी उनको हाथ जोड़कर बुला लाए। कुछ लोग रहते हमें बुलाया नहीं, हमसे पूछा नहीं, हमारा फोटो नहीं लगाया। फोटो लगाने का मतलब जानते ना कब लगाया जाता है? मान सम्मान के चक्कर रहता है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, हमें ज्यादा ज्ञान है, हमें ज्यादा विद्वता है, हमें सम्मान नहीं दिया गया। यही गलती दुर्वासा ने की थी, नहीं तो महाराज प्रजापति का सिर नहीं कटता। क्योंकि दुर्वासा ने कहा था, अगर यज्ञाचार्य मैं हूं तो मैं किसी और को आमंत्रित नहीं कर सकता। भागवत कथा का आयोजन किया आनंद घाट में। धनुज, मनुज, किन्नर, गंधर्व, जलचर, थलचर, नभचर, अभयचर,
जिज्ञासु मीमांसु अनुरागी उत्कल प्रकल चंचल चितवल सब के सब हर्षित भाव से आकर के बैठ गए और जो नहीं आए भृगु ऋषि ने जाकर के उनको समझाया कि ये परमार्थ है, इसे मान सम्मान से ऊपर उठ करके इसका लाभ लेना चाहिए। तो आप हम माध्यम हो सकते हैं, पूरक नहीं, पूरक तो परमात्मा है, हम आप तो सिर्फ उसके सास्ते पे बताए हुए ना। प्रामाणिकता से बात करो। भृगु ऋषि सबको बुला लाए, कथा का शुभारंभ हुआ और एक ने प्रश्न किया कि महाराज इतनी देर से आपने कहा कलयुग ये कई नाम आधारा, ठीक है नाम ही आधार है कलयुग का, लेकिन 21 अवतारों में सबसे ज्यादा महत्व राम और कृष्ण के अवतार को दिया गया, सतयुग और त्रेता में किसका नाम लेते थे, तो वो महामंत्र का जप करने लगे और जैसे उस मंत्र का जप किया तो दृश्य देखा, आनंदित हो गए, भक्ति अपने ज्ञान पुत्र और वैराग्य पुत्र के साथ आकर के नृत्य करने लगी। महाराज ये भागवत का फल है, वो द्वादश मंत्र है, वो द्वादश अक्षर मंत्र है जिसे मनु शत्रुपा ने नेमि शरण में जपा तो भगवान उनके पुत्र राम बनकर आ गए। ये वही द्वादश अक्षर मंत्र है जिसका स्मरण करते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य सचेत हो गए और भक्ति नृत्य करते हुए आ चुकी है। कथा में आनंद ले रहे आप सब करतल करेंगे और आप सब बोलेंगे हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो 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 भगवते वासुदेव। हाथ उठाए और इस मंत्र का उच्चारण करें। महान शक्ति द्वादश अक्षर मंत्र में है और इसी के उच्चारण से मनु शत्रुपा ने राम रूप में पाया और इसे हम आप करेंगे तो कष्ट खत्म हो जाएगा। मधुर स्वरों में गाते रहें, सत्संग का आनंद आए, यहाँ से सारी निगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और सारे तीर्थ आनंद में आ जाते हैं और भाव ऐसा रहे ना वो होश में थे ना हम होश में थे, दोनों मोहब्बत के आगोश में थे, शरीर का भान ही ना रहे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते। हर कोई गायक चित्त वृत्ति से अनुराग और भक्ति से हृदय की शक्ति से हृदय के स्मरण से मधुर स्वरों से इस गीत को गाते रहें, इस मंत्र को जपते रहें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, 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 हरि ओम नमो
नाथ नारा
लगाया तू काला क्यों है? डांडिया खिला देना थोड़ा इनको। मोहे ये तो बता रे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? मोहे ये तो बता रे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? मोहे ये तो बता रे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? ये तो बता रे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? काला हो करके भी जग से निराला क्यों? काला हो कर भी जग से निराला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, कमरी का आहे मेरी कमरी का, कमली का कमली का कमली का कमली का कमली का मेरी कमली का रंग काला इसलिए मैं काला। मेरी कमली का रंग काला इसलिए तू काला। Yeah.
अच्छा बिसरी बनवारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आ गगन से पुष्प बहुत बरसे बहुत बरसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से पुष्प बहुत बरसे देवता दर्शन को तरसे ललित छवि सिर बनवारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी बहुत बरसे गगन से फूल बहुत बरसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे बजे मृदंग गोपिनी संग बजे मृदंग गोपिनी संग ललित छवि सिर बनवारी की आरती कुंज बिहारी की सर्वे ग्रह शांति करा भवन सर्वे ग्रह शांति करा भवन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् प्रदक्षिणा ऐसे एक बार बोले बाग बिहारी लाल की जय हो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो बाग बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों
समर्पयामि मुआपते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जल छिड़क दीजिए स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्वाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति येन चत्वारो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिं दधातु पयः पृथिव्यः पयोहदिशो पयोहदिव्यन्तिरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु माह्यम् ॐ द्वौ शान्तिरिक्षः शान्तिः वनस्पतयः ओषधयः शान्ति शान्तिराप ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वा अरिष्टासु शान्ति भवतु। आयोजक शेखावत जी से मेरा निवेदन है कि कल के शिविर के बारे में लोगों को जानकारी दें। शेखावत जी कल के कार्यक्रम के आज के अनुभव की जानकारी दीजिए। आवती काले आपणो जे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिबिर छे आजथी शुरू थई गयो छे, एटले सवारे 9-12 चिकित्सा शिबिर चालशे। अने जे प्रमाणे आपणी कथानुं आयोजन आजे बीजा दिवसनुं हतुं एवी रीते आवतीकाले त्रीजा दिवसनो कार्यक्रम पण निर्धारित आ समये चालशे, तो सौने एमां पधारवा माटे खास विनंती छे। जे कोई भाईओ बहेनो आमां पोतानो आर्थिक सहयोग આપવા માગતા હોય તો તે પણ અહીંયા રૂબરૂ મળીને આપી શકે છે અને એમાં પોતાનો સહભાગ કરી શકે એમ છે।